अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण के संरक्षण में इन दिनों शहर में अनाधिकृत निर्माण व बिना मानचित्र स्वीकृत कॉलोनी बनाने का खुला खेल चल रहा है। इनमें कई कॉलोनियां ऐसी भी हैं जिसके बेहद छोटे से हिस्से का नक्शा पास करा लिया गया है, जबकि पीछे या साइड में बड़ी जमीन पर कच्ची कॉलोनी काट दी गई है। ऐसी ही एक कॉलोनी इन दिनों चर्चा में है। मेरठ देहरादून बाईपास रोहटा स्थित कृष्णा वर्ल्ड प्राधिकरण से तमाम शिकायतें की गई हैं कि नक्शा पास बताते हुए तमाम प्लॉट कच्ची कॉलोनी वाले लोगों को बेच दिए गए हैं। प्राधिकरण अफसर को इस खेल का पता है, लेकिन संलिप्तता होने के कारण पूछने पर वहां से भी यही जवाब सुनाई दे रहा है कि कॉलोनी का नक्शा पास है, बाकी हिस्से का शमन किया जा रहा है। यानी पहले बिना नक्शा पास कराए प्राधिकरण अभियंताओं की मिलीभगत से बना लो और फिर शमन कराकर बेतरतीब बनाई गई कच्ची कॉलोनी को पास करा लिया जाए। बिल्डर के भी वारे न्यारे और मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं के भी। ये कॉलोनी बाईपास स्थित संस्कृति विवाह मंडप से सटी हुई है। इसका निर्माण सूरज यादव, राजकिरण, हरिप्रसाद व राजीव अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। शिकायत की गई है कि ग्राम मुरलीपुर गुलाब की जमीन पर बनी इस कॉलोनी को अनाधिकृत पाते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है, लेकिन फोर्स उपलब्ध न होने का बहाना बताते हुए इस ध्वस्तीकरण को टाला जा रहा है और इस बीच बिल्डर द्वारा लगातार वहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण व कुछ हिस्से को अधिकृत पाते हुए शहर के तमाम लोग बिल्डर के झांसे में आ चुके हैं। देखिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।